धुआं दिखाई दे रहा है वो आप देखिए। आप ये बन के लास्ट पोर्शन बिरयानी का आप देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग्स। और आज हम आपको रोस्टेड बिरयानी दिखाएंगे। तो जैसे कि आपको दिखा देता हूँ रोस्टेड बिरयानी कैसे बनती है, तो आप देखिए। तो गाइस, आज हम आपको देसी तरीके से रोस्टेड बिरयानी दिखाएंगे। ये कच्चा चिकन है जो इसको मसालों के अंदर मेल्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं। और मेल्ट करने के बाद जो गरम इसको गरम तेल में डाला जाएगा। ये गरम तेल में भाई ने डाला इसको, देखिए फ्राई किया जा रहा है। तो भाई इस चिकन को डालते हुए इन्होंने खोलते हुए तेल में डाला, तेल को गरम कर रखा था आग के ज़रिए। और आप देख सकते हैं तेल को तेल में ये कच्चे चिकन को डाल रहे हैं। आप देखिए इसको यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है रोस्टेड को। और रोस्टेड को फ्राई करने के बाद इसे बिरयानी के अंदर डाला जाएगा जब बिरयानी तैयार हो जाएगी। और सामने बिरयानी बन रही है, और जो बिरयानी बन के जब तैयार होगी तो आपको दिखाएंगे वो भी। और जब ये चिकन तैयार हो गया ऐसा हो जाता है, मतलब जब फ्राई हो जाएगा तो फ्राई होने के बाद इसका कलर ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ आपको। ये भाई जो इस काम को कर रहे हैं, भाई रोस्टेड बिरयानी बना रहे हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई आप कब से कर रहे हैं काम, बताएंगे मुझे आप भाई कब से काम करते हैं। दस साल से भाई काम करते हैं, बिरयानी बनाते हैं आप रोस्टेड, हर तरीके की बिरयानी बना देते हो। कैसी कैसी बिरयानी बनाते हो? हैदराबादी रोस्टेड बिरयानी, सादी बिरयानी, तो हर तरीके की बिरयानी बना लेते हो। तो आज जो आप बिरयानी तैयार कर रहे हो वो रोस्टेड बिरयानी तैयार कर रहे हो। तो वह देख सकते हैं आप, इन कच्चे चावलों को अब डाला जाएगा, सामने आग जल रही है उसके अंदर। और उसके बाद आपको दिखाते हैं हम, तो आप देख सकते हैं इसे गर्म पानी में डाला गया है, और ऊपर से ये मसाले वगैरह और मिर्च जो एक्सटर्नल इनके मसाले हैं वो डाले गए हैं। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं आगे। और भाई ने चिकन डाला इसके अंदर, जो फ्राई चिकन का रखा था भाई ने, रोस्टेड को इसमें डाल दिया है। उसके बाद भाई डालेंगे, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। इसमें से स्मोक उठ रहा है, स्मोक की वजह से आपको दिख नहीं रहा। भाई ने फिर से डाला, आप देख सकते हैं ये रोस्टेड चिकन डाल दिया गया है इसके अंदर। और इसके बाद जो अगला पार्ट है चावल का है, जो इसमें चावल को डाला जाएगा। अब इसको चलाया जा रहा है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका जो खुशबू है इसमें मेल्ट हो जाए। आप देखते रहिए, चावल डाले, देखिए आप चावल डाल रहे हैं भाई इसके अंदर। धीरे धीरे चावल को डाले भाई ने, और चावल को पलट दिया है इसके अंदर। देखिए आप, ये घर पे बिरयानी जो बनाते हैं भगोने के अंदर, बड़े भगोने में, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये भाई चावल डाल दिया भाई ने, और अब जो चावल डाले गए थे इनको चलाया जा रहा है इसके अंदर ताकि अच्छी तरह से इनकी खुशबू और चावल का जो बिरयानी के साथ कॉम्बिनेशन है, रोस्टेड के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो उसको अच्छे से मिला दिया जाए ताकि बिरयानी को ज़्यादा मात्रा में स्वादिष्ट बना दिया जाए। आप देखते रहिए, रिजल्ट रेडी है। और आप देख सकते हैं अभी इसमें काफ़ी मात्रा में आपको धुआं दिखाई दे रहा है, आप देखिए। आप ये बन के लास्ट पोर्शन बिरयानी का आप देख सकते हैं।